गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम दो चार राशियों की असमिका का हल कैसे ज्ञात करते हैं इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो सभी छात्र देखे हैं, सबसे पहले हम यह उदाहरण देखते हैं। इसमें दो असमिकाएं दी हुई हैं, इनका हल हमको ज्ञात करना है ग्राफ विधि से। तो सबसे पहले हम एक्स प्लस वाई इक्वल फाइव इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देखेंगे यह लाइन जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव को प्रदर्शित कर रही है। दूसरी लाइन जो दी हुई है x माइनस वाई इक्वल थ्री, ये सेकंड लाइन दिख रही है। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन फाइव का क्षेत्र कौन सा होगा? इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा। और x माइनस वाई लेस देन इक्वल थ्री का क्षेत्र जो होगा x माइनस वाई इक्वल टू थ्री लाइन के लेफ्ट वाला जो हिस्सा जो होगा ब्लू शेडेड वह होगा। और दोनों रेखाओं के दोनों असमिकाओं के का ओवरनिस्ट कॉमन रीजन जो है आपको डबल सेडेड यानी ज़्यादा डार्क कलर का रीजन दिख रहा है। यह रीजन जो है इन दोनों असमिकाओं का सॉल्यूशन क्षेत्र है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको तीन असमिकाएं दी हैं, तो सबसे पहले तीनों असमिकाओं से संबंधित रेखा सरल रेखाओं को हम ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने तीन सरल रेखाएँ दिख रही हैं। एक ब्लू लाइन दिख रही है, वह फाइव एक्स प्लस फोर वाई इक्वल फोर्टी को शो करती है। दूसरी लाइन दिख रही है वाई इक्वल टू थ्री, और तीसरी लाइन दिख रही है एक्स इक्वल टू टू। तीनों लाइन के कॉमन क्षेत्र जो है ब्लू सेडेड जो दिख रहा है, यह सेट तीनों लाइनों के लिए कॉमन क्षेत्र है, यही इसका हल है। अब हम प्रश्नावली 6.3 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन को हल करेंगे। तो सबसे पहले छात्र देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में x इक्वल टू थ्री लाइन ड्रा करेंगे। तो x इक्वल टू थ्री लाइन ड्रा करने के लिए आप एक स्केल ले लीजिए और x इक्वल टू थ्री पर रखेंगे और आप एक लाइन ड्रा कर देंगे। दूसरी लाइन ड्रा करेंगे, यह लाइन कौन सी होगी? x इक्वल टू थ्री। दूसरी लाइन ड्रा करना है y इक्वल टू y इक्वल टू। अब हम यह लाइन जो है y इक्वल टू टू है, तो y ग्रेटर देन टू वाला क्षेत्र कौन सा होगा? y ग्रेटर देन टू वाला रीजन जो है आपका यह येलो पोर्शन होगा। यह कौन सा रीजन होगा? y ग्रेटर देन टू। और x ग्रेटर देन थ्री, x ग्रेटर देन थ्री वाला कौन सा रीजन होगा? यह रीजन जो आपको दाएं तरफ जा रहा है, तो इस वाले रीजन को ग्रेट एक्स इक्वल टू थ्री रीजन होगा। ठीक है, तो दोनों का ओवरनिस्ट रीजन, दोनों का ओवरनिस्ट रीजन कौन सा होगा? दोनों का ओवरनिस्ट रीजन यह होगा। यह ओवरनिस्ट रीजन है। ये डार्क शेडेड जो रीजन दिख रहा है वह इसका हल होगा। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि हमको लाइन ड्रा करना है। सबसे पहले एक रेखा ड्रा करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल 12। इसको ड्रा करना है, तो x इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो x अपॉन 4 y अपॉन 6 इक्वल 1। यह हमारा x इक्वल टू 4 पर और y इक्वल 6 पर, ये दोनों बिंदुओं पर
हम इसके लिए हमको स्केल लेंगे और यह लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, यह लाइन होगी आपकी 3x प्लस 2y इक्वल 12। दूसरी लाइन ड्रा करना x ग्रेट इक्वल 1, तो दूसरी लाइन x इक्वल टू 1 ड्रा करने के लिए x इक्वल टू 1, तो यह लाइन कौन सी हो जाएगी x इक्वल टू 1। तीसरी लाइन लेके चलेंगे y इक्वल टू, तो y इक्वल टू 2 पर ग्राफ पर रखेंगे और यह लाइन हो जाएगी आपकी y इक्वल टू। तीनों रेखाओं के का उभरिष्ठ क्षेत्र कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको यह जो रीजन दिख रहा है यह तीनों रेखाओं का उभनिष्ठ बिंदु है। तो आप यहां जो पीला येलो कलर का जो सेड हेड स्थान है वो तीनों असमिकाओं का उभनिष्ठ क्षेत्र है, यही इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। ओके, थैंक यू।